Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पिशावर के हल्का NA4 में ज़िमनी इलेक्शन, 4 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नतायज में PTI के अरबाब आमिर आ गए। सारा दिन पोलिंग स्टेशंस के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। NA4 में ज़ाब्ते इख़लाक़ी धज्जियां उड़ा दी गईं। पीपल्स पार्टी MPA निगत औरकज़ई का क्लाशनकोफ के साथ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पिशावर मीरा कचौड़ी में लीगी उम्मीदवार नासिर मूसाज़ई असले की सरेआम नुमाइश करते रहे। मुसल्ला गार्ड्स पोलिंग स्टेशन में दंदनाते रहे। भानामाड़ी की हदूद से 4 अफराद असले समेत गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को माफ कर दिया। कराची में तोहीन हमें इस तकरीर और फंडिंग केस में बयान पर तहरीरी माफीनामा कबूल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि कभी किसी की जात पर तनकीद नहीं की, कुछ कहा तो मकसद इदारों में बेहतरी लाना था। इदारों पर हमला करने वाले आदि मुजरिम को इतनी जल्दी माफी क्यों दी? पूरी कौम के सामने पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को माफी मिलना ताज्जुब की बात है। मरियम औरंगजेब का बयान, कमर जमान कायरा कहते हैं इमरान खान यू टर्न के बादशाह हैं। नैब के रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के काबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तीसरे रेफरेंस में जामिन को नोटिस, काबले जमानत वारंट जारी करके आखिरी मौका दे रहे हैं। आइंदा समात पर हाजिर ना हुए तो गिरफ्तारी का हुक्म देंगे। अदालत के रिमार्क्स, समात 3 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ वालदा के साथ सऊदी अरब में हैं, उनकी अहलिया बीमार हैं। हाजिरी से 7 रोज का इस्तिस्ना दिया जाए, वकील ख्वाजा हारिस के एहतसाब अदालत से दरख्वास्त। कल्सूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की, अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। ट्रायल रोकने के लिए साबिक वजीर आजम की जानिब से एक और दरख्वास्त आए। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर की आज चौथी पेशी। मरियम कहती हैं, सुना है नैब के जो लोग लंदन गए थे खाली हाथ वापस आए हैं। सबूत ढूंढे नहीं जा रहे, बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में ऐसा वक्त है जिसमें जमहूरियत पर बात करने वाला गद्दार और नाइंसाफी पर आवाज उठाने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। मरियम नवाज का 1-2 रोज में वालिदा की इयादत के लिए लंदन रवाना होने का इम्कान। एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान में जिसमें जमहूरियत पे बात करने को गद्दारी कहा जाता है। नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। नैब की किसी टीम ने लंदन का दौरा नहीं किया, तर्जुमान नैब की वजाहत। कहते हैं नैब की टीम को शवाहिद मिलने या ना मिलने का तासुर दुरुस्त नहीं। उधर चेयरमैन नैब ने नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद का नाम ECL से ना निकालने के लिए नैब को वजारत दाखिला से रुजू की हिदायत कर दी। जावेद इकबाल का कहना है कि अब एहतसाब बिला इम्तियाज और कानून के मुताबिक होगा, किसी के साथ ना इंसाफी का तासुर दुरुस्त नहीं। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी अदालती वारंट्स की बुनियाद पर हुई। मरियम
मदीना मुनव्वरा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नफाविल भी अदा किए। आप अपने गिरेबान में झांकें, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्यों निकाला। सिराजुल हक का लाहौर में तुलबा कन्वेंशन से खिताब, कहा शरीफ ब्रादरान कुछ डिलीवर नहीं कर सके। दोनों भाइयों की तरक्की सिर्फ अखबारों तक महदूद है, तमाम क्राफ्ट अफराद को अडयाला जेल जाना चाहिए। कतर से होने वाला एलएनजी का मुआयदा सस्ता तरीन है, वज़ीर-ए-आज़म का शाहिद खाकान अब्बासी का सैनेट में बयान। बोले एलएनजी मुआहिदा दो हुकूमतों के दरमियान हुआ, गुज़िश्ता हुकूमत एलएनजी मुआहिदा करने में नाकाम रही। मुआहिदे की तमाम मालूमात हर पब्लिक फोरम पर मौजूद है। अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, तावुन करेंगे लेकिन किसी की नाकामी का मलबा कबूल हरगिज नहीं करेंगे। वजीर खारजा की कायमा कमेटी बराए खारजा को ब्रीफिंग, कहा अमेरिका को बता दिया कि हम कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं। रवां साल पाकिस्तान में अफगान सरहद से 307 दहशतगर्द हमले हुए, सेक्रेटरी दिफा की ब्रीफिंग। गद्दी पर सियासत, मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के उर्स की इफ्तिताही तकरीब, भाइयों के इख्तलाफात की नजर, मुरीद कुरैशी की पहले मजार को गुसल देने की जिद, सामान ना मिला तो मुरीद को थप्पड़ जड़ दिया, कहते हैं जब भी हक मांगा लाश मिली, 7 कत्लों का हिसाब लूंगा। 12 मई को कराची बंद करने का हुक्म मुत्तहिदा कयादत ने दिया था, कहा गया कत्लो गारत भी करनी पड़ी तो करो, कराची बंद कर दो। अपने तमाम जराइम का एतराफ करता हूँ, मुत्तहिदा के एमपीए कामरान फारूक का बयान हल्फी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। फैसलाबाद में चचा जायलाद बन गया, पहली जमात की नन्ही परी को स्कूल न जाने पर इतना मारा कि जान ही निकाल दी, मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर के हलका NH4 में वोटर्स के हाथों मोबाइल चोर की शामत, चोर वोटर की जेब से मोबाइल निकाल रहा था, शहरियों ने मार मार कर दुर्गत बना दी। बलोचिस्तान से इंक्वायरी कमेटी के मेंबरान के आते ही कायदे आजम यूनिवर्सिटी के तलबा हड़ताल पर, वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज पुट्टी वाइस चांसलर से मिले, तलबा के वफद से भी बातचीत। साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी के पुरस्कार कत्ल की वजूहात क्या थी, खुफिया दस्तावेज आज जारी की जाएंगी, ट्रंप के दस्तावेज जारी करने के बयान पर हलचल।